After the topic renewal of a bill, now my new topic is bill discounted from the bank is dishonored. मैंने bill discount कराया है bank से, due date के पहले discount होता है, bill discount कराया bank से. जब due date आई मेरे सामने, तो जो acceptor था bill का, जो drawee था, उसने dishonor कर दिया, उसने bank को पैसा नहीं दिया. तो आई थिंक जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया होगा. बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक इज डिसऑनर्ड. बैंक से जो बिल डिस्काउंट कराया गया था वो डिसऑनर हो जाता है. तो अभी अच्छा एक बार हम आपको प्रोसेस बता दें इसमें हो क्या रहा है. सपोज ए जो है वो गुड्स सेल कर रहा है बी को. बी इस केस में ड्रॉई हो जाएगा, ये ड्रॉअर हो जाएगा. ये ड्रॉअर है, ये ड्रॉई है. और एक्सेप्टेंस दी है बी ने ए को. बी ने एक्सेप्टेंस दी है तो इसके पास बिल्स रिसीवेबल है हैंड में. अब 3 months बाद का बिल है, तो ये क्या कर रहा है, बैंक के पास जा रहा है और ये बिल बैंक को दे रहा है और बोल रहा है कि हमें पैसा अभी दे दीजिए. तो ये बैंक क्या कर रहा है, इसको पैसा अभी दे दे रहा है. अब जब मैच्योरिटी डेट आ रही है तो ये इसके पास जा रहा है, बोल रहा है कि जो बिल है आपका उसका अमाउंट हमें दीजिए. तो ये डिसऑनर कर दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा है. तो यही केस, यही टॉपिक है हमारा, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक. बिल इसने डिस्काउंट कराया बैंक से, जो है मैच्योरिटी डेट पे डिसऑनर हो जाता है. आई थिंक जो टॉपिक है ये आपको समझ में आ गया है. अब हम आते हैं, जब डिसऑनर होगा तब प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, कौन सी जर्नल एंट्री करनी होगी. तो उसके पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या है. इन सच अ केस नोटिंग चार्जेस पेड बाय द बैंक. बिल डिसऑनर किया इसने, तो नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा उस समय, जब बिल डिसऑनर होगा तो बैंक नोटिंग चार्जेस पे कर देगा. लेकिन बैंक का वो खर्चा नहीं है ना, रिकवर ये किससे करेगा, ये रिकवर इससे करेगा और ए किससे रिकवर करेगा, बी से. तो यही चीज आगे लिखी होगी, द बैंक विल रिकवर द नोटिंग चार्जेस फ्रॉम द पर्सन हु डिस्काउंटेड द बिल. फ्रॉम द पर्सन हु डिस्काउंटेड द बिल, किसने डिस्काउंट किया बिल को, ए ने, ड्रॉ ने. एंड अल्टीमेटली फाइनली किससे रिकवर किया जाएगा, बी से. तो यानी कि एंड अल्टीमेटली नोटिंग चार्जेस विल बी बॉर्न बाय द एक्सेप्टर. एक्सेप्टर जो है उससे बॉर्न किया जाएगा, उससे रिकवर कर लिया जाएगा. तो दिस इज योर होल कॉन्सेप्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक इज डिसऑनर्ड. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे देना है हमें, जब बिल डिस्काउंट कराया हुआ बिल डिसऑनर हो जाए. अब ध्यान रखिएगा, ये ड्रॉअर, इसको हम एक्स मान लेते हैं, एक ड्रॉअर है और ड्रॉई इज वाई. हमने इस लाइन में देखिए, लाइन इस कॉन्सेप्ट में ही छुपी हुई है एंट्री कैसे करनी है हमें. द बिल फ्रॉम द बैंक एंड अल्टीमेटली नोटिंग चार्जेस विल बी बॉर्न बाय एक्सेप्टर. नोटिंग चार्जेस जो बैंक ने दिए वो किससे निकाला जाएगा, अल्टीमेटली वाई से लिया जाएगा. प्लस बिल डिसऑनर हुआ है वो अमाउंट भी तो वाई से कवर किया जाएगा. और ये एक्स जो है इससे पूरा पैसा लेकर किसको देगा, बैंक को देगा. मतलब बैंक को क्रेडिट करेगा. बैंक से पैसा आता है तो डेबिट करते हैं, बैंक को पैसा देना होता है तो क्रेडिट. वाई से पैसा रिकवर करना है, वाई क्या है मेरे लिए, डेटर है. डेटर और बढ़ेंगे तो डेबिट. मतलब वाई को हमें डेबिट करना होगा. वाई इज अकाउंट डेबिट. और ये इसके साथ, इससे जो अमाउंट मिलेगा वो कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, बैंक में, क्योंकि बैंक से ये डिस्काउंट करा के पैसा ले चुका है. तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये एंट्री कैसे पास हुई इसको रटना नहीं है आपको, हम फिर से समझा दे रहे हैं. एक्स ने जब बैंक से डिस्काउंट कराया होगा बिल, तो एक्स को तो अमाउंट मिल गया होगा बैंक से. जब बैंक से अमाउंट मिला होगा तो एक्स ने बैंक को डेबिट किया होगा. अब जब डिसऑनर हो जा रहा है तो एक्स क्या करेगा, बैंक को क्रेडिट करेगा. और अमाउंट किससे रिकवर करेगा, जो डिसऑनर हुआ है. अल्टीमेटली ये देखिए लाइन भी लिखी है, एंड अल्टीमेटली नोटिंग चार्जेस विल बी बॉर्न बाय एक्सेप्टर. नोटिंग चार्जेस भी इससे निकाले जाएंगे और इसी से हम रिकवर करेंगे बिल का अमाउंट. तो देखिए वाई को डेबिट कर दिया, तो अब यहां पर अमाउंट कौन सा आएगा, नोटिंग चार्जेस वाला अमाउंट आएगा और बिल का अमाउंट आएगा, जो बिल का अमाउंट इसने इशू किया था, जो एक्सेप्टेंस दी थी. तो आई थिंक ये एंट्री आपको समझ में आ गई है क्या हो रही है. बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक. तो ये बैंक, ये रिकवरी की एंट्री यहां हमने पास कर दी, जब बिल डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होता है. अब आते हैं ड्रॉई की बुक में क्या एंट्री होगी. बैंक में हमें बैंक की बुक में एंट्री नहीं करनी होती, बैंक से हमें मतलब नहीं है. बैंक क्या एंट्री करता है वो जाने. हम बैंक की अकाउंटिंग नहीं कर रहे, हम अपने बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं. इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, तो ड्रॉई के, अगर हम अकाउंटेंट ड्रॉई के हैं तो ड्रॉई क्या बुक में एंट्री करेगा. अगर हम अकाउंटेंट एक्स के हैं तो वो क्या एंट्री करेगा, वो तो हमने बता दिया. अब अपने आपको अकाउंटेंट मानी वाई का, तो वाई क्या अपने बुक में एंट्री करेगा. इसको ना किसी डिस्काउंटिंग से मतलब है और ना बैंक से मतलब है. इसको बस अपनी जो डिस्काउंटिंग की, जो डिसऑनर की एंट्री जो की जाती है, जो हमने टॉपिक पढ़ाया था स्टार्टिंग में डिसऑनर ऑफ अ बिल का, उसी की ऑपोजिट एंट्री
जो डिसऑनर करते हैं उसी की एंट्री हमें यहां पास कर देनी है, उसी की ऑपोजिट एंट्री नहीं, डिसऑनर वाली एंट्री हम यहां सिंपली पास आउट कर देंगे। तो कैसे पास करनी है एंट्री वो देख लेते हैं। तो देखिए, इसने जब बिल एक्सेप्टेंस दी होगी तो क्या एंट्री की होगी, वहां से हम आपको स्टार्ट करते हैं, तब आपको यहां पे जो एंट्री करनी है वो समझ में आएगी। जब बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री इसने दी होगी तो क्या लिखा होगा इसने, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ये एंट्री की होगी इसने जब एक्सेप्टेंस दिया होगा। अब जब डिसऑनर होता है तो इसी की ऑपोजिट एंट्री करते हैं अलॉन्ग विद नोटिंग चार्जेस, तो वही एंट्री पास कर दीजिए, हो गया। तो क्या एंट्री पास होगी, एक्स देखिए डेबिट है तो एक्स को अब हम क्रेडिट करेंगे और डेबिट क्या करेंगे, बिल्स पेबल को, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और नोटिंग चार्जेस भी अब आ जाएगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, और ये पूरा अमाउंट किसको देना है, इसे एक्स को, एक्स अकाउंट अमाउंट आपको पता ही है, नोटिंग चार्जेस का जो नोटिंग चार्जेस का अमाउंट होगा, बिल का जो बिल का अमाउंट होगा, और एक्स को, तो ये एंट्री सिंपली हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखाएंगे जो फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा, तब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा।